दोस्तों मुझे पता है कि आप सब भाई लोगों को भी अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी 21 दिन तक लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस नियम के अप्लाई होने के बावजूद भी घर से बाहर घूम रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक एडिटिंग लेके आया हूँ। इस एडिटिंग को सीख के आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हो और लोगों के अंदर ये जागरूकता, ये अवेयरनेस डाल सकते हो। तो दोस्तों ये एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल है, आप इस वीडियो को एक बार देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इस ऐसा एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है और जितने सारे PNGs एंड स्टॉक इमेजेस यूज़ करने वाला हो सारे के सारे लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वीडियो के एंड में जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इस एडिटिंग को आपको कैसे करना है। पहले मैं इस एडिटिंग को पिक्सार ऐप के अंदर करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसको लाइट रूम ऐप के अंदर कैसे आप इसके अंदर और भी ग्लो दे सकते हो अपनी फोटो के ऊपर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए फिर इस एडिटिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एडिटिंग को करने के लिए तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करके इसको आपको ओपन करना है अपने पिक्सार ऐप के अंदर। दोस्तों पिक्सार ऐप के अंदर फोटो को ओपन करने के बाद, मतलब बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद, आपको सबसे पहले अपना फोटो को ले आके वहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे सेट करना होगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे ऐड फोटो में। तो दोस्तों ऐड फोटो में आने के बाद यहाँ पे मेरा जो फोटो है, इस फोटो का जो कार्डआउट है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को पहले से यहाँ पे रिमूव करके रखा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। तो यहाँ पे मैं मेरा जो कार्डआउट है उसको लेके यहाँ पे बीच में बराबर एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फोटो को कुछ इस पोजीशन में सेट करता हूँ। दोस्तों आप भी अपने फोटो को कुछ इस पोज में क्लिक करवा सकते हो, वरना आपके पास किसी और टाइप का पोज है उसको भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक। तो चलो इसको हम ऊपर से करते हैं, डन, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों इस फोटो को थोड़ा सा मैचिंग करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए, या फिर आप देख सकते हो पीछे या फिर स्मोक एंड फ्लेयर्स है, तो इसको हम कैसे मैच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, चलेंगे ऐड फोटो में, फिर दोस्तों हम यहाँ पे स्मोक का PNG लेके ऐड करेंगे। फिर स्मोक का PNG को लेके आपको साइज़ को सिंपली बड़ा करना है और कुछ नीचे इस पोजीशन में इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलो ऊपर से डन करते हैं। दोस्तों ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी नज़र आ रहा है, इस फोटो में साइन नहीं है। तो आप साइन कैसे ला सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो। तो सिंपली हम दोबारा चलते हैं ऐड फोटो में, फिर यहाँ पे आपको देखो ऑरेंज कलर का PNG मिलेगा, इसको लेके आपको ऐड करना है। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ब्लेंड है, ब्लेंड मोड को आपको करना है स्क्रीन, ठीक है। फिर आप यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लो, दोनों फिंगर से एडजस्ट कर सकते हो। फिर एक यहाँ पे ऑरेंज PNG को कुछ इस पोजिशन में रखो, इस साइड में, एंड यहाँ पर आके इसको आप करो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको दूसरे पोजिशन में रख दो। देखो यहाँ पर फोटो में बहुत ही अच्छा यहाँ पर साइन हमें मिल रहा है देखने में। तो चलो हम इसको ऊपर से डन कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम नीचे एक टेक्स्ट PNG ऐड करेंगे और बाकी जो कलर करेक्शन है उसको हम लाइट रूम ऐप के अंदर करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली चलते हैं ऐड फोटो में, फिर दोस्तों ये वाला जो PNG है इसको लेके मैं ऐड करूँगा और इसको मैं नीचे कुछ इस पोजीशन में रखूँगा। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। तो चलो हम इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे इस फोटो को हम सेव करके ड्रॉ टूल में अंदर चले आते हैं, फिर यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइस फोटो को पिक्सार ऐप के अंदर सेव करने के बाद इसको हम सिंपली ओपन करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। दोस्तों लाइट रूम ऐप के अंदर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक लाइट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे डाउन करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट को यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, जैसा आपकी फ़ोटो में अच्छा लग रहा है ना, जो चेंजेस अच्छा लग रहा है उस चेंजेस में आप इसको करो, देखो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट्स को मैं और इंक्रीज करता हूँ ना सा, एंड थोड़ा सा ब्लैक्स को यहाँ पे मैं डिक्रीज करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। फिर दोस्तों हम आएँगे यहाँ पे इस आइकन पर, फिर ऊपर आएंगे मिक्स टूल के आइकन के अंदर, फिर यहाँ पे मैं फेस को थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ। तो फेस को ब्राइट करने के लिए सबसे एक आसान तरीका है कि आप यहाँ पे ऑरेंज कलर टोन को ले लो एंड ल्यूमिनेंस जो है इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। देखो फेस थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको करता हूँ ऊपर से डन, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, एंड साथ में थोड़ा सा टिंट को यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, सुपर, थोड़ा सा वाइब्रेंस, बहुत ही बढ़िया। एंड दोस्तों आप बढ़ जाते यहाँ पे क्लैरिटी वगैरह सब ऐड करने की। तो चलो हम सबसे पहले इस आइकन पे चलते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी हम ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा, यहाँ पे विग्निटी को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, एंड यहाँ पे आके लास्ट में हम थोड़ा सा शार्पनिंग,
एंड नॉइज़ इलेक्शन। तो देखो ये फ़ोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। देखो ये रहा बिफोर एंड गाइस ये देखो ये रहा आफ्टर। बस थोड़ा बहुत डिटेल बिट यहाँ पे एडजस्टमेंट ना बहुत ही चेंज कर देता है आपके फ़ोटो को, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ। तो सिंपली हम इस फोटो को सेव कर लेंगे यहाँ पे इस आइकन पे आके, फिर सेव टू डिवाइस। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आप लाइक करके बता देना और कमेंट भी कर देना। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप शाउटिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।